got ya. ये विश्व गुरु, ये पार्टी के भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बनाना चाहती थी, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और बताइए, जो छात्र हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी पा सकते थे, जिन्हें रोजगार मिल सकता था, आज उनके साथ नौकरी रोजगार नहीं है। जो विश्व गुरु बना रहे थे समाजवादी, तो लैपटॉप दे रहे थे। आप बताइए, ये लोग, हम लैपटॉप दे रहे थे, ये लाठी दे रहे हैं, यही फर्क है। इसलिए समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो नई यूनिवर्सिटियाँ बन रही थी, नए कॉलेजेस बन रहे थे, नई तरह की पढ़ाई शुरू हो गई थी, तमाम कंपनियाँ पैनल हो गई थी, रोजगार नौकरी मिले। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझ सकते। अमेजोन जैसी कंपनी कंडा बेच रही है, बताइए, अमेजोन जैसी कंपनी कंडा बेच रही है, उन्हें पता ही कंडे में व्यापार है। ये इनकी डिजिटल इंडिया कहाँ खो गई है, बताइए, पहले तो इनकी डिजिटल इंडिया कहाँ हुई। अमेरिका की कंपनी अमेजोन कंडा बेच रही है, आप गूगल करके देख लीजिए, खोल के देख लीजिए। और इन्होंने डिजिटल इंडिया बनाने का सपना दिखाया था। ये लैपटॉप बांटने वाले लोग नहीं हैं, ये लाठी मारने वाले लोग हैं। जितना इन्होंने अपमानित किया है, उसी रफ्तार से वोट पड़ेगा, उसी जिम्मेदारी से वोट पड़ेगा। इनका सफाया भारतीय जनता पार्टी का होगा। अखिलेश जी, सर, आप मेरठ चाह रहे हैं, अखिलेश सिंह ने बीजेपी के यूपी अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि गजनी और गौरी से तुलना की है पिछली सरकारों की, गजनी और गौरी से तुलना। कौन कह रहा है, कौन है ये, कौन? देखो, देखिए, मैं आपको वही बात फिर दोहरा दूं, चुनाव जितना करीब आएगा और जनता इन्हें हराने के लिए तैयार है, ये नफरत फैलाना चाहते हैं, लोगों को बंटवारा कर दे। अंग्रेज कैसे राज कर रहे थे, बांटो और राज करो, ये कहते हैं मारो और राज करो, डराओ और राज करो। ये नफरत पहले फैलाते हैं, फिर लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, तब ये वोट लेते हैं। क्या लखीमपुर में किसानों के ऊपर जीप नहीं चढ़ा दी गई, किसान कुचल दिए गए? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं कि किसान क्यों कुचले गए, और क्या उन्हें किसानों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोविड में इतने परिवार लोगों की जान गई, बताओ उनके परिवारों की सरकार मदद करेगी कि नहीं करेगी? आज बेरोजगार नौजवान हैं, नौकरियां नहीं हैं, लखनऊ में लाठी खा रहे हैं, क्या नौकरी रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपना घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। जब पढ़ेंगे तो उन्हें जानकारी होगी कि जनता को कितना धोखा दिया इन्होंने। मथुरा का जिक्र शुरू कर दिया है अखिलेश जी। देखिए, आप लोग भी उनके एजेंडा में मत फंसो। मैं जानता हूं कि अगर आप ये सवाल नहीं पूछोगे तो आपका बजट कट हो जाएगा। ये जो आपको पैसा वैसा मिलता है, ये जो पैसा मिलता है, अब आपकी कॉपी मुझे निकालनी पड़ेगी। ये जो पत्रकार साथी बार बार ये मुझसे पूछ रहा है ऐसे सवाल, मैं सरकारी कागज निकालूंगा कि इन्हें प्रचार के लिए कितना पैसा मिला है। क्योंकि ये जानते हैं, अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो इनका प्रचार का पैसा बंद हो जाएगा। और मैं ये भी जानता हूं कि जिस दिन चुनाव की तारीख आ जाएगी, उस दिन ये भी बदल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद सरकारी पैसा अगली सरकार देगी।